कुख्यात बदमाशों के खिलाफ माफिया दमन दल की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी घड़ी में भानतलैया रोड पर इसे शासकीय भूमि पर काबिज देशी शराब दुकान को हटाया गया। करीब 1,20,00,000 रुपए अनुमानित कीमत की शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। माफिया दमन दल ने कार्यवाही करते हुए भानतलैया रोड पर 1200 वर्ग फीट शासकीय भूमि पर बनी देशी शराब की दुकान को जमींदोज कर दिया। कुख्यात बदमाश प्रीतम सोनकर द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा एवं कलारी बनाकर किराया वसूला जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक खाली कराई गई सरकारी भूमि की कीमत करीब 1,20,00,000 रुपए है। प्रीतम सोनकर पर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये देसी शराब की दुकान है जो कि शासकीय भूमि पर बनी है और माफिया कार्रवाई की तरह इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसको जो अतिक्रमण है वो तोड़ा जा रहा है, क्योंकि ये जमीन शासकीय भूमि पर है और माफिया कार्रवाई के तहत इसको हटाया जा रहा है। लगभग 1,000 से 1,200 फुट स्क्वायर फुट है और मार्केट वैल्यू इसकी करीब लगभग 1 करोड़ रुपये है। ये भानतलैया चौक पर प्रीतम सोनकर के द्वारा यहाँ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके अनाधिकृत रूप से एक मकान बना लिया गया है और इसको उन्होंने देसी शराब दुकान को किराए पर भी दे दिया है। ये ज्ञात होने पर नगर निगम की टीम है, यहाँ पर एडीएम है, नगर निगम के द्वारा इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है, तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह हाँ, प्रीतम सोनकर के ऊपर काफ़ी आपराधिक प्रकरण भी हैं और उसने ये बनाया था, तोड़ा जा रहा है इसका स्ट्रक्चर को। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। माफिया दमन दल द्वारा बेलबाग टोरिया में ताबड़तोड़ कार्यवाही करते हुए शातिर बदमाश और कुख्यात फड़बाज सावन कंजर के 2 मंजिला मकान को धराशायी कर दिया। करीब 2,500 वर्ग फीट जमीन पर 2 मंजिला मकान बनाकर बदमाश द्वारा किराए पर चलवा रहा था। पुलिस के मुताबिक सावन कंजर पर 22 आपराधिक मामले पंजीबद्ध है। सावन जाट बेलबाग टोरिया पर उसने अतिक्रमण करके शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके और करीब 2,500 स्क्वायर फीट पर मकान, पक्का मकान बना लिया और किराए पे दे दिया था। उसको भी नगर निगम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करके उसको तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण विरोधी कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा।